विदिशा में भारत के जरिए चार अलग अलग देशों में भेजे गए चार राजदूतों ने आकांक्षी जिले में शामिल विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। आज सुबह चारों राजदूत, जिनमें लेबनान में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल आजाद खान, अर्जेंटीना के राजदूत दिनेश भाटिया, ओमान के राजदूत अमित नारंग और जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत विजय खंडूजा विदिशा के ग्राम सुनपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी में चल रही प्रक्रिया का अवलोकन किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को देखा और साथ ही साथ अमृत सरोवर के कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों, स्कूल की छात्राओं सहित अन्य लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले भी भोपाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आकांक्षा जिलों को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने विदिशा के सुनपुरा में आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को अच्छा बताया। इस दौरान विदिशा कलेक्टर अमन शंकर भार्गव, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसठ मौजूद रहे। पिछले दिनों इंस्पायर अवार्ड योजना में सुनपुरा की एक स्कूली छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने दिल्ली में मसाला कूटने की हाथों से तैयार की गई एक मशीन का प्रदर्शन भी किया। उसके इस मॉडल को देखकर सभी राजदूत काफी खुश हुए। मेरा नाम नंदिनी कुशवाहा है सर। ये मसालों को कूटने का काम करता है और जो हम मिक्सर ग्राइंडर में पिसे मसाले खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स पावर कम हो जाती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की जो वैल्यू रहती है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। सर ये आइडिया मैंने मेरी नानी को कार्य करते देखा था, काम करते हमारे घरों में इसी से अभी भी मसाले कूटते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम जा रही थी उसमें मसाले कूटने में। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि फिर मैंने अपना जो मेरे दिमाग में आइडिया मैंने अपने सर को हमारी समस्या बताई, तो फिर सर ने बताया कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं और फिर हम सर ने ये बताया तो फिर हमने इसको बनाया। और सर बस ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, उन्हीं की वजह से मैं इतने आगे तक पहुँची हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर इस आइडिया को मैं चाहती हूँ कि ये इसको आगे और भी बड़े उस पर बनाया जाए, मतलब जो अभी इसको मैंने मॉडल दिया है, लेकिन इसको हम अगर कोई अच्छे से बनाए तो ये बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है, इसको और अच्छे स्तर पर बना सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाएं होती हैं उनको उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। इधर लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, इसको बिना बिजली के चला सकते हैं हम। और इसमें जो इसमें हम पैरदान लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको पैर से भी चला सकते हैं। इसमें एक सिस्टम हो सकता है कि इसमें पैरदान लग जाए तो पैर से भी चल सकता है। और राजदूत लेबनान में हूँ, हमारे साथी हैं भारत के राजदूत अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और ओमान में, और आज हम गांव का और विदिशा डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने आए हैं और बहुत सारी जो भी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जो स्कीम चल रही हैं, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्कीम है, अमृत सरोवर की स्कीम है, आंगनवाड़ी किस तरह से चलती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी लेने आए हैं। और बड़ा अच्छा लगा और स्पेशली ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की गाँव की महिलाएँ भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, एजुकेटेड हैं और एक सामाजिक उन्नति जो इस गांव की है उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं और अपने लिए भी वो रोज़गार के साधन निर्मित कर रही हैं। तो ओवरऑल वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द अरेंजमेंट हियर इन दिस पंचायत एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।